नमस्कार, आप देख रहे हैं जनउदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खबर के ऊपर। देश भर में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत, इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारियां भी शुरू हो गई है और 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो गई है। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूल 10 महीने बाद खुलेंगे। स्कूल खुलने से पहले दिल्ली सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला, सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों स्कूल में आने की अनुमति होगी। दूसरा, स्कूल आने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन यह स्कूल में आने वाले स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को भी स्कूल आने की मंजूरी नहीं दी गई है। स्कूल में असेंबली नहीं होगी और छात्रों के फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़ की भी अनुमति नहीं होगी। स्कूल में बच्चों की एंट्री और एग्जिट समेत सभी पॉइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार केवल प्री बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को फिर से खोल रही है और इस दौरान शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और घर पर रहने वाले ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे। स्कूलों में स्टूडेंट की क्लास 4 से 5 घंटे से अधिक नहीं चलेगी। क्लास में आने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के बाद 2 पारियों की कक्षा चलाई जाएगी। स्कूलों की तरफ से कोई पिक ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और छात्रों को खुद से ही स्कूल पहुँचना होगा। स्कूलों में हर फ्लोर पर हाथ धोने की सुविधा होगी और क्लासरूम में स्टूडेंट के लिए सैनिटाइजर रखा जाएगा। इसी कड़ी में जब आज स्कूल ओपन हुए तो हमारे संवाददाता दिनेश जी पहुंचे कुछ स्कूलों में, जिसमें रोहिणी सेक्टर 8 का सर्वोदय स्कूल जो है वो प्रमुख रहा, जहां पे देखने को मिला कि प्रॉपर सैनिटाइजर जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा था, साथ ही साथ टेम्परेचर तक मापा जा रहा था। जब हमारे संवाददाता ने वहां के प्रिंसिपल और कुछ अध्यापकों से बात करी तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं दिनेश खुराना स्वागत करता हूं आपका जनउदय न्यूज़ चैनल में। आज हम रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय में, आइए इस विषय में बात करते हैं भारती कालरा जी, जो कि उप प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय की। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माहौल आज स्कूल खुल गए हैं, बच्चे भी खुश हैं और आप भी खुश नज़र आ रहे हैं, टीचर्स भी खुश हैं, तो मैं इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सच में जिस चीज़ के लिए स्कूल होता है, आज हमें वो दिन हमें मिला है जिस दिन स्कूल खुला है। बच्चे आए हैं, बच्चे बहुत परेशान थे घर में, उनको बहुत एंग्जाइटी थी, कितनी बारी पूछते थे कि कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। सो आज बच्चे आके बहुत खुश हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है उनका टीचर्स के साथ। जो भी डिफ़िकल्टीज थी और प्रैक्टिकल्स को लेकर चिंतित थे, प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंतित थे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स भी इतने टाइम से ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, तो आज सामने बच्चों को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, इनकी सेफ्टी के लिए क्या अरेंजमेंट किया आपने, बच्चों की सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए सारे अरेंजमेंट्स हमने करे हुए हैं, राइट फ्रॉम एक तो गेट से ही सर्कल्स बनाए हुए हैं, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, फिर उनकी थर्मल स्कैनिंग से चेकिंग हो रही है। जैसे ही बच्चा आता है तो टचलेस सैनिटाइज़र हमने वहाँ गेट पर ही लगा रखे हैं, ताकि बच्चे फुट से प्रेस करके और सैनिटाइज़ कर लें अपने हाथ। फिर जब ये एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस कई दिनों से हम इनको दे रहे थे, शुरू से ही दे रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो सारी हमने इनको दी हुई हैं। बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी अपनी स्टेशनरी, बुक्स, पेन, पेंसिल, कुछ भी शेयर नहीं करना। टाइमिंग्स का प्रोविज़न इस हिसाब से रखा हुआ है कि 9 to 12 1-1 आवर की 3 ब्लॉक टीचिंग के पीरियड्स हैं। सो उससे ये फ़ायदा है कि बच्चे ब्रेकफास्ट करके घर से आते हैं और यहाँ पे यहाँ से जाने के बाद लंच करेंगे। लेकिन कैसा लग रहा है आपको स्कूल आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी ढंग से। जैसा कि हम लोग हमारे स्कूल टाइम में होता था कि हम लोग वेकेशन पड़ती थी हमारी 2 महीने की, लेकिन आपकी तो लगभग 10 महीने की हो गई। Yes. तो आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर रहे हैं या कैसे करेंगे और टीचर्स कैसी आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ बताएंगे मुझे ज़रा? मैम तो ऑनलाइन भी पढ़ा रही थी, उसमें भी मैम ने सिलेबस एक्चुअली पूरा कवर हो चुका है हमारा,
और अब तो रिविज़न ही चल रही है ऑल सिलेबस। थैंक यू बेटा, वेलकम। आइए इसी विषय में बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपको कैसा लग रहा है कि बच्चे आपके रूबरू बैठे और ऐसे पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हमेशा ही अच्छा लगता है। हम तो सोच ही रहे थे कि कब स्कूल खुले, हम बच्चों को सामने देखें, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों से वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। वन टू वन कितना भी कोशिश करें, कभी नेट चला जाता है, कभी कुछ जाती है, तो दिस इंटरेक्शन इज रियली बेटर। मैम, आप ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इनको? साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज दिल्ली सरकार ने 10वीं-12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए हैं। आइए इस विषय में बात करते हैं रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अवधेश कुमार झा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरह से आज विद्यालय खुल गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सर? इस सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है। हमें बच्चों से मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। इन 10 महीनों में जो गैप पैदा हो गया था, उस गैप को भरने का मौका मिला। सर, जिस तरह से आज स्कूल ओपन हो गए हैं, तो आप कोरोना की सावधानी कैसे बरतेंगे सर, बच्चों के खिलाफ और अपने टीचर्स के खिलाफ? टीचर्स और बच्चों के लिए हमने तो सबके लिए थर्मल स्क्रीनिंग टेम्परेचर गेट पर ही ले रहे हैं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, और एक कमरे में 12-12 बच्चों को बैठने की व्यवस्था विथ मास्क, और बच्चों के लिए जगह फिक्स कर दी कि जो बच्चा जहाँ आज बैठा है, कल भी वहीं बैठेगा, बच्चा जगह बदलेगा नहीं। और जो उससे बड़ी बात है कि हमने बच्चों को कम्फर्टेबली 9 बजे बुलाया कि ब्रेकफास्ट करके आएँ और 12 बजे जाएं, फिर वहाँ पर लंच करें, और 3 घंटे का, और बीच में हमने कहीं इधर उधर जाने नहीं दिया बच्चे को। जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे सबको डिसिप्लिन की ड्यूटी में लगाए हुए हैं, वो अपने डिसिप्लिन देख रहे हैं टीचर्स में, इसलिए सब सुरक्षित हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।